नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में पुलिस ने एक बांग्लादेशी सेक्स वर्कर को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि इसके पास ना तो पासपोर्ट था ना ही वीजा, साथ ही साथ नकली आधार कार्ड के सहारे। पहले तो बांग्लादेशी सेक्स वर्कर कोलकाता के एक डांस बार में नौकरी करती थी, उसके बाद देह व्यापार में संलिप्त हो गई। गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेशी सेक्स वर्कर ने पुलिस को बताया कि उसने पश्चिम बंगाल के 24 परगना से नकली आधार कार्ड बनवाया और फिर उसी के सहारे कोलकाता के एक डांस बार में बार डांसर के तौर पर नौकरी प्राप्त कर ली। और इस तरीके से वो भारत में अवैध तरीके से लगातार रह रही थी। ये एक महत्वपूर्ण मामला है, जिस तरीके से वर्तमान समय में CAA NRC को लेकर के हंगामा चल रहा है, ऐसे में बांग्लादेशी सेक्स वर्कर का उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में एक बड़ी पुलिस कार्रवाई कहा जा सकता है। बने रहिए द खबरदार न्यूज पर, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।